हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर बी फाइन। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7। द टॉपिक इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट ब्रीफली डिस्क्राइब्ड अबाउट द ट्रायंगल्स एंड ऑल्सो इन जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू हैव टू यूज दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लासेस। Pythagoras theorem: in a right triangle, square of the hypotenuse is the square and sum of the other two sides. अब इसी का यूज करते हुए तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताना है 6.4 सेट का। आप अच्छे से वीडियो में एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें, एक एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकें कैसे सॉल्व किया गया है, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें, प्रैक्टिस को अच्छे से बना सकें। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर व्हिच साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले देखिए, एक फार्मूला होता है लेंथ ऑफ द डायगोनल और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड रूट टू। साइड रूट टू और साइड 10 से दिया है तो हो जाएगा 10 रूट टू सेंटीमीटर। इजी। और अगर इसमें रूट टू की वैल्यू जैसे 1.414 होती दिया है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो ऐसे लिख देंगे आंसर। अब मान लीजिए कोई तरीका नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करेंगे। दूसरा तरीका बता रहे हैं, देखिए ए स्क्वायर जिसकी प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर, इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी है। मान लीजिए स्क्वायर है ए बी सी डी, तो दूसरा तरीका, ये फर्स्ट तरीका हो गया, ये तो यहां लग गया। दूसरा तरीका क्या है, ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, देयरफॉर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ले सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100, ए सी हो गया अंडर रूट 200। अब 200 का इस तरह करेंगे, 100 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, 5 1 हो गया। अब देखिए बेटा 2 5, यानी यहां पर देखेंगे ये ए सी इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर। जिनका जिनका स्क्वायर उनको बाहर कर लीजिए, जिनका स्क्वायर नहीं उसको अंदर रहने दीजिए। तो ए सी इज इक्वल टू हो गया 10 रूट 2 सेंटीमीटर। आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं या तो फिर ऐसे फार्मूला का यूज करके लगा सकते हैं, बोथ आर बेस्ट। ओके, तो बस ये है कि कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। चाहे वो रेक्टेंगल हो, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, जब डायगोनल ड्रा होगा तो दो राइट ट्राइंगल बन जाएंगे। चाहे स्क्वायर हो, प्रत्येक एंगल 90 का होता है, डायगोनल ड्रा करेंगे तो दो राइट ट्राइंगल बनेंगे। तो राइट ट्राइंगल का फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहां लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम फार्मूले से लगा सकते हैं और बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, डायगोनल D1 एंड D2 ऑफ अ रोम्बस। इसमें दिया है 16 एंड 12 सेंटीमीटर, D1 16 सेंटीमीटर, D2 तो एक फार्मूला होता है ईच साइड। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। स्क्वायर क्या होता है, उसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस का प्रत्येक एंगल 90 का नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू अंडर रूट
डी वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन टू का स्क्वायर। डी वन एंड डी टू क्या है? डायगोनल्स। अब देखिए 16 अपॉन टू का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन टू का स्क्वायर, यह हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यह हो गया 64 प्लस 16 अपॉन टू 8, 12 अपॉन टू 6, यह हो गया 100, या ये हो गया। अब 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100 को क्या लिखेंगे? अंडर रूट 10 का स्क्वायर। अगर इसका प्राइम फैक्टर निकालना चाहें तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। साइड निकल गया तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? फोर इंटू साइड, फोर इंटू टेन, यानी ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं आप इसे, क्या है इस साइड ऑफ रोम्बस अंडर रूट डी वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन टू का स्क्वायर। तो 16 अपॉन टू का स्क्वायर, 12 अपॉन टू का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये ईच साइड हो गया। अब रोम्बस का देखो क्या होता है, ये रोम्बस होता है जिसकी प्रत्येक साइड इक्वल होती है। देखिए इसको फिगर से भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा वो फॉर्मूले डायगोनल इसमें, ये ए बी सी डी। तो डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जहां पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहां 90 का एंगल बनता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी यहां 90 का एंगल बनता है, ये 90 का एंगल बनते हैं, मैंने बता रखा है आपको इस तरह। तो पहले बात ये फार्मूला तरीका, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसी का दूसरा तरीका देखिए, इसी भी तरीका रोम्बस ए बी सी डी डायगोनल्स ए सी 16 सेंटीमीटर, बी डी 12 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देयरफॉर यहां इसको ओ दिखा दे, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच ए सी एंड बी डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट ट्राइंगल, ए ओ बी राइट ट्राइंगल, क्योंकि यहां प्रत्येक एंगल 90 का होता है। तो अब OA इक्वल टू OC निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 2 यानी 8 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू OD निकाल लीजिए 6 सेंटीमीटर, राइट ट्राइंगल AOB में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए 8 है, ओ बी 6 है, यहां देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 100, या इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर है 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये 10 आ गया। तो पेरीमीटर आप रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी, सभी साइड इक्वल होती है, ये 10 का निकला, ये भी 10 का हो जाएगा, ये भी 10 का हो जाएगा, ये भी 10 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 यानी 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप सेकंड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक हमने लगा दिया, एक आप अपने मन से लगाएंगे, कोशिश करिएगा। सेम जहां पे 16 है वहां पे 30 कर दीजिएगा, और जहां पे 12 है वहां पे 40 कर दीजिएगा, यानी कि सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है ना?
तो इस तरीके से आप आगे लगाइएगा। हम लोग चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए इसको क्रॉस करते हैं, दोनों तरीका बता दें, एक आप अपने मन से लगाएंगे, ठीक है। जब तक आप अपने मन से लगाएंगे कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसे ही करते रहिए। कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है? If the length of the diagonal of a rectangle is 26 cm and the length of its base is 24 cm, find the length of the altitude of an breadth find karna hai. ये rectangle समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका ये diagonal है, ये diagonal है A B C D। ए सी डायगोनल 26 सेंटीमीटर का दिया है, ये 26 सेंटीमीटर और X का बेस 24 सेंटीमीटर दिया है। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, बेस ए बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड BC फाइंड करना है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा? ये इससे मिलकर 90 एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल बिकॉज एंगल B 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, इतना लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखिए तो क्या हो जाएगा। अब AC का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। मैंने बताया था ना कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये मैंने पहले बता रखा है। तो BC AC 26 है और ये 24 है, 26 का स्क्वायर 676 और इसका स्क्वायर 576, तो BC ये इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 100, या अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या है? 10 BC 10 सेंटीमीटर का होगा। देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, concept should be clear, then you can solve each and every questions. Next question is this, question number 7. देखिए जल्दी दिखा दे रहे हैं, 8 question इसमें, 2 question और करा देंगे तो कहानी clear हो जाएगी। Question number 7. 7 is this, कि in an isosceles triangle, the length of each congruent side is 10 cm and the length of the base is 12 cm. Find the length of the altitude AD. देखिए ये है, ये ए बी सी है, कांग्रुएंट मतलब इक्वल साइड 10 सेंटीमीटर का है और बेस है और ये एल्टीट्यूड है, एडी एल्टीट्यूड है। तो एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसिलिस ट्राइंगल, an altitude of a triangle is an altitude of an other triangle drawn from the main vertex bisect the opposite side, bisect the base। ध्यान रखिएगा, किसी भी आइसोसेलिस ट्राइंगल में मेन वर्टेक्स क्या होता है? जहां से दोनों इक्वल साइड निकलती हैं, तो मेन वर्टेक्स वो होता है जहां से दोनों इक्वल साइड निकलती हैं और वहां से जो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रा होता है तो वो अपोजिट साइड एंड बेस को
जो थर्ड साइड होती है वो बेस होता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। ये 6 के हो गए। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर या ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए बी है 10 का स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 यानी 64। तो ए डी हो गया अंडर रूट 64। या आप इसको निकाल सकते, देखेंगे जब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर नहीं इतना ही हो जाएगा 4 4 64। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ए डी क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी 8 सेंटीमीटर। ए डी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किस हिसाब से सोचना है ये जानना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसका 8th बचा है जो हम नेक्स्ट में लगा देंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा होगा वीडियो तो आपको नींद आएगी। तो एक क्वेश्चन और बचा, इसको जब मिसेलेनियस सॉल्व करवाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए किसी भी आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड जिस वर्टेक्स से निकलती है वो मेन वर्टेक्स होता है, तीसरी साइड बेस कहलाती है। तो यहाँ से जब मीडियन ड्रा हो तो एल्टीट्यूड हो जाता है, एल्टीट्यूड ड्रा हो तो मीडियन हो जाता है। मतलब मीडियन क्या होता है, अपोजिट साइड से वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है। तो अब ये पूरा 12 का 6 का हो जाएगा, ये 10 का हो गया, तो ये राइट ट्राइंगल हो गया। जब ये राइट ट्राइंगल हो गया तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस यूज कर लेंगे भाई। अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ऐसे आप चाहें इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप करते रहिएगा। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देंगे कैसे हो कहानी इसकी क्लियर हो जाएगी, मतलब इस चैप्टर 6 की कहानी क्लियर हो जाएगी। तब तक आप अच्छे से वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने काम कंप्लीट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। ओके, थैंक यू।